हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। देखिए दोस्तों, मैं अपने शलजमों में दे रहा हूँ पानी और आप देख रहे होंगे ये पानी कुछ ग्रीन सा है, यानी ये नॉर्मल पानी से थोड़ा अलग है। तो दोस्तों, मैंने अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जो कि यूज़लेस पड़ी थी, और मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे मुझे अपने पौधों को कभी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उसी का नतीजा है। ये जो हरा सा पानी है ये बहुत ही फर्टिलाइज वाटर है, और इसको देने के बाद मुझे इन्हें किसी भी तरह के खाद को देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पानी है क्या चीज़, और ये मैं अपने पौधों में जो दे रहा हूँ ये इन्हें फर्टिलाइज कैसे रखेगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, वे जो पानी जा रहा है मेरे शलजम में, वे जा रहा है इस पॉन्ड से। आप देख रहे होंगे इस पॉन्ड में काफ़ी हरा सा पानी है। ये मेरे पास एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पड़ा था, और मैंने इसमें एक काम किया कि मैंने इसमें ऐड कर दी फ़िश। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो फ़िश भी मेरे काम आ जाएंगी। और इनका जो पानी होता है इसमें मैंने जूप्लैंटम, फाइटोप्लैंटम और कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया मिलाकर इस पानी को तैयार किया है, जिससे फ़िश को फूड भी मिल जाता रहता है। कुछ एक्सटर्नल फूड में भी डाल देता हूँ, कुछ बचा हुआ खाना, कुछ फ़िश फूड, तो मिक्स रहता है ये सब। तो इस तरीके से फ़िश भी पल रही हैं, उनका जो खाना बन रहा है वो नेचुरल तरीके से बन रहा है, और वो उनका जो वेस्ट निकलता है उसे ज़्यादातर बैक्टीरिया तो फूड में बदल देते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया फूड में नहीं बदल पाते वो नीचे तली में बैठा रहता है। जब मैं महीने में एक बार ड्रेन करता हूँ तो वो उस पानी के साथ चला जाता है ड्रेन में, और वो जो इनका वेस्ट होता है वो बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र होता है, और वो मेरे पौधों को मिल जाता है फ्री में। तो इस तरीके से ये एक रिलेटिव फार्मिंग हो गई है। छोटा सा एक पॉन्ड है, उसमें 500 मछलियाँ हैं, और फिर इनका जो वेस्ट वाटर है वो मेरे लिए खाद का काम करता है पौधों में। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास थोड़ी स्पेस हो या कुछ हो, तो ऐसा सिस्टम बना सकते हैं। इससे आपको खाद की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पानी ही फर्टिलाइज़र का काम करेगा और वाटर का भी काम करेगा, तो आपका दोनों काम एक ही पानी से हो जाएंगे। तो ये सिस्टम मैंने तैयार किया है, और इसकी मैं दो फ़ायदे उठा रहा हूँ, फ़िश भी मिल रही है और खाद भी बन रही है पौधों के लिए। तो दोस्तों, मैं ये शेयर करना चाहता था आपके साथ कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि मुझे अपने नीचे वाले प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र फ्री में मिल रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।